11th मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो ए कॉमा बी एक सेट है और बी सी ए ये दूसरा सेट है. ये हमारे पास सिंबल किसका है, इट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस. तो कितना सही है देखना पड़ेगा. ए इसके अंदर अवेलेबल है, टिक करते रहो. ए इसमें है, बी भी इसके अंदर है, इसका मतलब तो सबसेट है. बट ये सिंबल क्या बता रहा है, सबसेट नहीं है. तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हो क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये इसका आंसर. इसी तरह से यहां पर देखें ए कॉमा ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. अब इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके अंदर ए कॉमा ई तो अवेलेबल है ना, ए कॉमा ई इस सेट के अंदर अवेलेबल है. तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट है. अब इसके अंदर देखो 1, 2 एंड 3 यहां पर सबसेट है इसका. स्टेटमेंट क्या लिखा, ये इसका सबसेट है, चेक करो कितना सही है. 1 यहां अवेलेबल है, 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता. बट ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सबसेट है, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर होगा फॉल्स. इसी तरह से 6th देखिए ए सबसेट ए, ये सेट है ना जिसके अंदर हमारे पास में स्मॉल ए इसका एक एलिमेंट है. दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, चेक करो कितना सही है, ये एक एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है तो सबसेट ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू. इसी तरह से इसके बारे में बात करें, ये दिस वैल्यू यानी सेट ना ए बिलोंग्स टू दिस, तो कहां है ये बिलोंग्स का मतलब होता है कि ये पूरा पूरा कर्ली ब्रैकेट सहित इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, ये फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, ये इसको बिलोंग नहीं करता है, सबसेट है लेकिन बिलोंग नहीं करता. अब यहां 6 में देखो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, कौन कौन से हो सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर में 2 हो सकता है, 4, क्योंकि 6 से कम बोला है. एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले सारे कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर बोला है, तो 2, 4 इसके अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस. तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये हमारे पास में ट्रू स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है. इजी क्वेश्चन है, बस इसमें स्टेप टू स्टेप सोचते रहो और करते रहो. थर्ड क्वेश्चन, लेट ए सेट दे रखा है जिसके अंदर 1, 2 और ये पूरा सेट है ना, ये हमारे पास एलिमेंट का काम करेगा जिसके अंदर 3, 4 है और कॉमा 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन 5, कौन से इनकरेक्ट है कौन से करेक्ट है, ये हमारे को जवाब देना क्यों है, उसका जवाब भी पूरा ढंग से सोच के देना है. इसके अंदर पूरा नॉलेज अच्छी तरह से होना तो ही आप जवाब दे पाते. यहां देखो 3, 4 सबसेट ऑफ ए, ये सेट है और 3, 4 इसके एलिमेंट है, ये इसका सबसेट होगा अगर इसके एलिमेंट इसमें अवेलेबल होंगे. अब सोचो, बिकॉज 3 इसके अंदर है क्या, कहां है, नहीं है, ये तो पूरा पूरा क्या है, ये सेट है ना, इसके एलिमेंट का काम कर रहा है पूरा, 3 अलग से होना चाहिए इसके अंदर, तो 3 इसको बिलोंग नहीं करता, इसको ए को बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, देयरफॉर कैसा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, इन करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह सकते स्टेट, क्योंकि 3 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है. 4 के बारे में बात नहीं करी क्योंकि एक ही एलिमेंट ऐसा हो जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं हो तो सबसेट नहीं हो सकता, जैसे 4 भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है. 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये देखो ये पूरा पूरा एलिमेंट अगर ए के अंदर अवेलेबल है ना इसके अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं, करेक्ट कहेंगे इसमें, बिकॉज ये इसके अंदर अवेलेबल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो करेक्ट लिख दो, बिकॉज 3, 4 एलिमेंट इज अवेलेबल इन सेट ए, सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही.
अब आप इसमें ये देखो, ये सेट है जिसके अंदर ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये सेट इसका सबसेट होगा क्या, देखते हैं। ये सेट इसका ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा वो इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, करेक्ट बोलेंगे इसको, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज, क्यों भाई, 3.4 है ना, वो बिलोंग करता है ए को, ये ध्यान रखना। अब 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसके अंदर है क्या, बिल्कुल है, तो ट्रू कर दो, ट्रू यानी करेक्ट लिखना, करेक्ट इनकरेक्ट लिखना एक ही बात है, ये क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 1 इसके अंदर अवेलेबल है। इस तरह से हमने इसके आंसर जनरेट किया, ये इसका आंसर है। और यहां पर यहां लिखते हैं एक ही बात है, और ये इसका आंसर, इसी वजह से ये इसका आंसर, थोड़ा समझते हुए आराम से सोचते हुए आंसर देंगे। इसमें यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकंड में 3.4 अवेलेबल है ना, यहां ऐसा भी लिख सकते हैं 3.4 इज एन एलिमेंट ऑफ, ये लिखो तो भी ठीक है, बस थोड़ा सा सोचते हुए जवाब देंगे इसके अंदर, तो इसका क्या हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया सेकंड। अब देखो फिफ्थ पार्ट इसका, वन इज सबसेट ऑफ ए, वन तो क्या है, एक एलिमेंट है, कोई सेट ही दूसरे का सबसेट हो सकता है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज वन बिलोंग्स टू ए, इसके अंदर है बट इट इज नॉट सेट, सो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब क्या है, वन है ना, इसको बिलोंग तो कर रहा है लेकिन यहां पर सेट नहीं बना हुआ ना, तो कोई सेट ही दूसरे का सबसेट हो सकता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, अब देखो 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, ये 5 भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो एवरी एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू कह दो, करेक्ट बोल दो, करेक्ट इनकरेक्ट बोल दो, करेक्ट बोल दो, एक ही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों भाई, क्योंकि एवरी एलिमेंट इसका ना इस सेट ए के अंदर अवेलेबल है, किसका, इस सेट का एवरी एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, करेक्ट स्टेटमेंट बोल देंगे, इसका आंसर यहां पर दिया, इसको आंसर मेंशन कर सकते हैं। अब देखो 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स में क्या होता है, ये जो ये ना ये एलिमेंट का काम करना चाहिए इसके अंदर, जैसे 3.4 का सेट लिखा हो ना, ये पूरा पूरा इसके अंदर एग्जैक्ट ये एक एलिमेंट बन करके यहां अवेलेबल होना चाहिए, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट सही थी इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, है क्या, नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट बोल देंगे, इन करेक्ट स्टेटमेंट बोल देंगे। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि 1, 2 और 5 वो तो इसको बिलोंग करते हैं बट ये इसको बिलोंग नहीं करता, रीजन लिखना चाहे क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग करेगा ए को, 2 बिलोंग करेगा ए को, 5 बिलोंग करेगा ए को, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, बट जो हमारे पास में ये पूरा 1 to 5 है ना, ये इसको बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू ए, यहां पर सिर्फ ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये जो पूरा ना पूरा सेट एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट से 1 to 5 अगर इसके अंदर अवेलेबल होते तो इसको अपन इनकरेक्ट, सॉरी इसको करेक्ट स्टेटमेंट बोलते, नाउ इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके अंदर देखें 1, 2, 3, 1, 2, 1 और 2, देखो ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट इस ए में अवेलेबल होंगे, तो 1 और 1 इसमें अवेलेबल है, 2 इसमें अवेलेबल है, 3 तो इसमें अवेलेबल नहीं है, मीन्स 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, सो बिकॉज सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इसका आंसर, ठीक है ना, अच्छी तरह आप इसको समझ, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ ये भी समझ में आ गया, तो आप इसमें है ना बहुत थोड़ा सा नॉलेज को पूरा कॉन्सेंट्रेट करें एक जगह पर, और फिर उसके बाद में जवाब दें।
अब देखो नाइन्थ पार्ट इसका, फाइव बिलोंग्स टू ए, क्या फाइव इसके अंदर अवेलेबल है क्या? फाइव खुद क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। फाइव इसमें लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका सबसेट जरूर होगा क्योंकि एम्प्टी सेट सबका, किसी भी सेट का सबसेट जरूर होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें, फाइव बिलोंग्स टू ए में क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों भाई? क्योंकि फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि इसका एलिमेंट नहीं है ध्यान रखें। सबसेट बिल्कुल है, बिल्कुल होगा भाई। इसको क्या बोलेंगे? करेक्ट बोलेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों होगा भाई करेक्ट स्टेटमेंट बताओ? क्योंकि नल सेट, नल सेट कहते हैं एम्प्टी सेट कहने की बात है, नल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी सेट का सबसेट होता है तो ये करेक्ट होगा। अब इसमें देखो फाइव इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो यहां पर फाइव एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोलो, क्या बोलेंगे इसको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रीजन बताओ, बिकॉज फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना, इसके लिए इनकरेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें, डेफिनेशन जो है ना शुरू की वो आप अच्छी तरह याद रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, सबसेट्स कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, टू की पावर वन यानी दो, दो सबसेट होंगे इसके। कौन कौन से होंगे भी? एक तो फाइव लिख दो नल सेट, और एक इसको खुद को ही लिख दो, ये दो ही होंगे इसमें, ठीक है ना। और यहां पर बात करें तो सबसेट्स कितने, सबसेट्स कितने होंगे भी पहले पता तो कर लो। टू की पावर एन होता है फॉर्मूला, टू की पावर एन की फोर होंगे क्योंकि दो एलिमेंट है इसके अंदर, टू की पावर टू यानी कि फोर, फोर सबसेट्स होंगे, लिख लो इसके अंदर। सबसे पहले फाइव लिख लो, फाइव या खाली में दो कर्ली ब्रैकेट बना दे बोलिए की बात है। उसके बाद में ए, ए से लिख दो एक, एक में बी आ जाएगा और एक में ये ए बी आ जाएगा, ये चारों इसके सबसेट्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर कितने होंगे? टू की पावर थ्री यानी एट होंगे, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा आंसर, सबसेट्स आराम से लिखो उसको। एक तो फाइव हो गया और एक सेट वन से बन जाएगा, दूसरा टू से बन जाएगा, थ्री से वन टू थ्री आ गए। अब दो दो को साथ में ले लो, वन कॉमा टू देन टू कॉमा थ्री एंड वन कॉमा थ्री लिखो बोले थ्री कॉमा वन लिखो, एक ही बात है, एक में वन टू थ्री तीन नहीं आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट बन गया ना, तो ये इसके सबसेट। अब इसके बारे में क्या बात करोगे? फाइव है या अकेले होगा सबसेट? फाइव खुद का, खुद ही होता है सबसेट, ठीक है ना, एक ही सबसेट होगा इसके। इस तरह से अपने सबकी लिस्ट होना। अब इसमें एक बात और देख सकते हो, जैसे ये ए कॉमा बी इम्प्रॉपर सबसेट है, ये तीनों क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। ये भी इम्प्रॉपर है और ये सारे, ये इम्प्रॉपर और ये सारे क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाई थी कि अगर इसके अंदर जैसे जितने कितने एलिमेंट्स आए, वन टू थ्री, वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, इसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है इनके अलावा, इसलिए इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो,
हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए? पी ए किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर सेट को. इफ सेट ए इक्वल्स टू 5, इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 0. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n. n क्या होता है? ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उस नंबर को यहां लिखा जाता है. कितने हैं भाई? 0 है ना, क्योंकि 5 है, एम्प्टी सेट है, नल सेट भी कह सकते हैं. तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1. तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर? 1 एलिमेंट होगा. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवेल्स. इंटरवेल्स हमने बहुत अच्छी तरह से थ्योरी में पढ़ रखे हैं. इस इंटरवेल्स को लिखो, देखें. x such that x belongs to real number. -4 x और 6 में कैसा रिलेशन है देखो. x is greater than -4 but less or equal to 6. इस इंटरवल कैसे लिखेंगे? एक तो -4 कॉमा 6 ले तो 6 के इक्वल भी है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और -4 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट लगेगा. ध्यान रखो ये आपके इसमें इंटरवल हो. इसका मीनिंग क्या हुआ? -4 इंक्लूड नहीं है बट 6 इसमें इंक्लूड है. यहां पर देखो x such that x belongs to real number, और x जो है ना -12 से ज्यादा है बट -10 से कम है, लेकिन इक्वल वाली बात नहीं है यहां पर. इसलिए इस बात को कैसे लिखेंगे? -12 लिखो, कॉमा लगाओ, -10 लिखो, और यहां पर इस तरह से. इसका मतलब क्या होता है? नॉट इंक्लूड, लेकिन बीच वाली सारी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर. इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे? यहां पर x such that x belongs to real number, x is greater or equal to 0 but less than 7. 0 लिखो, कॉमा 7 लिखो. अब 0 के इक्वल भी है, इक्वल है तो ये वाला, बट 7 के इक्वल तो नहीं है ना, तो ये वाला ब्रैकेट. बड़े ध्यान से यहां पर क्या है? x greater or equal to 3 है बट less or equal to 4 है, और यहां ध्यान रखना रियल नंबर को बिलोंग करता है. ऐसी कंडीशन में यहां लिख दो आंसर. इसका आंसर क्या बनेगा? इंटरवल लिख के बताओ देगा फटाफट. ये हमारे पास हो जाएगा 3, फिर कॉमा लगाओ 4, और इक्वल भी है तो ये वाला ब्रैकेट. और इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे. इजी है, बट जो थ्योरी जो पढ़ाई थी प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर को आप अच्छी तरह से अगर आप अटेंड किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब सेवेंथ क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इंटरवेल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. -3, 0 दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. लिखिए कैसे लिखेंगे? x या दो बिंदी लगाएंगे सच दैट x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू है -3 से ज्यादा और 0 से कम हो, क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगते हैं ना इसका मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है और -3 भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बीच वाले सारी वैल्यू है. तो x -3 से ज्यादा और 0 से कम होगा, ये इसका आंसर. इसी तरह से यहां बात करें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहां x लिखें 6 से ज्यादा है 12 से कम है. अब ब्रैकेट कौन सा लगाओ? ये वाला ना. इसका मतलब क्या? 6 इसके इक्वल भी होगा ना, x 6 के इक्वल भी होगा और 12 के इक्वल भी होगा. मींस x ग्रेटर और इक्वल टू 6 एंड लेस और इक्वल टू 12. इसके बारे में बात करें बहुत आसान है, बस थ्योरी इसकी पूरी क्लियर होनी चाहिए. ध्यान रखें x सच दैट x belongs to R and 6 से ज्यादा, इसका मतलब क्या? 12 के इक्वल भी होगा, लेस और इक्वल टू 12. यहां बात करें -20, 3 and 5. यहां पर x such that x belongs to R और -23
एक्स जो है ना माइनस 23 से ज्यादा उसके इक्वल भी होगा, ये वाला ब्रैकेट है, और 5 से कम इक्वल नहीं लिखेंगे इसमें ना, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप इसको कौन से मेथड से लिखा मैंने, सेट बिल्डर मेथड, इजी है बट केयरफुली करना है। 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल का जो सेट है यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी गिवन सेट्स होते हैं ना उनके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा लिखूं जिसके अंदर सारे ये इंक्लूड हो जाए, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये वेराइटी सारी खत्म करती है ट्राइंगल्स। अब इसमें देखो ऑल ट्राइंगल लिखते ही राइट एंगल ट्राइंगल हो या किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से इसमें क्या बोला, द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, सेम इसके अंदर भी लिख दो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऐसा लिखना है जिसके अंदर इसके सारे एलिमेंट आ जाए, एक्स्ट्रा एलिमेंट खूब सारे पड़े हो बोले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी गिवन सेट होते हैं उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, इजी है बट थोड़ा सा सोच के देखिए। लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, गिवन द सेट्स ए 1, 3, 5 इसके एलिमेंट है, बी के हैं 2, 4, 6 और सी के 0, 2, 4, 6, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो अब इन तीनों को चेक करते हैं। सबसे पहले देखो 5 को देखो, 5 तो यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है, खुद ही एम्प्टी सेट है। यहां पर फर्स्ट में देखें तो ये तो नहीं हो सकता, और फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के अंदर देखो 1, 3, 5 एक एलिमेंट चेक कर रहे हैं, 1, 3 और 5 अवेलेबल है, मतलब इन सबके एलिमेंट्स है ना जिस सेट के अंदर अवेलेबल होंगे ना वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, देखते चेक करते हैं। एक एक क्लियर हो गया 2, 4, 6, ये 2, 4, 6 ये भी क्लियर हो गया, ये यहां देखो इसमें 8 है बट इसमें 8 नहीं है, इसलिए ये भी आपके पास में क्या नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अब यहां से देखें थर्ड में 0 से लगा के पूरा 10 तक ले रखा है, तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे, तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। 1, 3 यहां पर क्या प्रॉब्लम है भाई, ये देखो इसका सी सेट है ना उसके अंदर 0 एलिमेंट है लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट्स अवेलेबल हो, है ना, तो उसको अपन उसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो हमारे यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा भाई, आंसर बताओ, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट होगा ना, वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा। ये पूछा था कि भी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ये वाला लिखना चाहिए, लिख दे यू इक्वल्स टू कहां से कहां तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ये इसका यूनिवर्सल सेट है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई अगर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करना है तो आपको इसकी जो थ्योरी जो इसकी डेफिनेशन है ना उनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।